चलो अगर अपन सर्कल्स के बारे में बात करें तो वो आगे इन कंटिन्यूएशन में आपके क्या क्या मार्क्स का था। सर्कल्स 11 से 12 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा टफ चैप्टर एंटर हो रहे हैं क्योंकि ये ज्योमेट्री, तो अगर बच्चे ज्योमेट्री से बचना चाहते तो ये तो बचना संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारा आधा पेपर ऑलमोस्ट ज्योमेट्री में से आने वाला है, तो आप इसे बच तो नहीं सकते। तो सर्कल्स 11 से 12 मार्क का एक्सपेक्टेड है। अगर अपन बात करें क्वाड्रिलेटरल्स अगर अपन लेके चले तो मैं क्वाड्रिलेटरल को भी कम से कम 8 से 12 मार्क के बीच में रखूंगा रखूंगा किसी भी एग्जाम के अंदर। और तीसरा अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी आ चुका है तो अपन इसको 7 से 10 मार्क के बीच में रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर मुझे काफी स्कोरिंग लगता है, मुझे नहीं पता बच्चों को इसमें क्या दिक्कत होती है जबकि ये चैप्टर काफी इजी काफी छोटा सा है। तो अगर अपन लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात करें तो 6 से 8 मार्क का वेटेज ये भी रखेगा। और आखिरी में लाता हूँ सरफेस एरिया। अब ये वो पार्ट ऑफ आपके चैप्टर्स हैं अगर मैं बात करूँ तो सरफेस एरिया टांडव मचाएगा 10 से 12 मार्क के बीच का। तो सर अगर आप एवरेज आउट करो तो आपका इन पांच चैप्टर्स में आपका अप्रोक्स अगर आप थोड़ा सा भी गेम निकालेंगे तो 15, 6, 21, 31 मोर देन अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 40-45 मार्क्स का पेपर यहां से आएगा। अब सर ये कौन सी जोन है? टफ जोन। इसके पहले हमने 35 मार्क्स की क्या पढ़ी? इजी जोन। तो मैं तो किसी बच्चे को बोलूंगा जिस बच्चे के भी पास होने की बैंड बज रही है तो पहले वो 35 मार्क्स पूरे करे फिर यहां पे आए। सर यहां पे आप पहले किस चैप्टर को रैंक दोगे? तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो लाइंस एंड एंगल्स में से नंबर निकालना बहुत इजी है। तो अगर बच्चे को पहले पढ़ना हो तो लाइंस एंड एंगल्स पढ़े, हम वहां चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकंड अगर वो चैप्टर चाहता है तो सेकंड एंगल पे कहीं ना कहीं वो क्वाड्रिलेटरल की तरफ जाए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल अगेन मैं डिटेल में बात करूंगा लेकिन ये चैप्टर है ना एक तो पूरी जो एक्सरसाइज 1 है वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के ऊपर है पूरी जिसमें आपको अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सी बात है। एक क्वाड्रिलेटरल को आपको पहले क्या प्रूफ करना है? स्क्वायर प्रूफ करना है, या उसी क्वाड्रिलेटरल को आपको क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है, या उसी क्वाड्रिलेटरल को आपको क्या प्रूफ करना है? रोम्बस प्रूफ करना है। तो ऐसी पूरी एक एक्सरसाइज है आपके कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है लास्ट वाला, ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है, वो अगेन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। तो एक पूरी एक्सरसाइज और दूसरी पूरी एक्सरसाइज टारगेट करती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर बच्चा इन दो एक्सरसाइज की कंसेप्ट इवन एक बार ध्यान रखना क्वेश्चंस के साथ एग्जांपल्स कर ले तो वो चीजें उसके लिए इजी हो जाएगी। थर्ड मैं चाहूंगा बच्चा फोकस करे सरफेस एरिया पे क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है, एक्सेप्टेड बड़ा है, बट यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लगा के ढंग से कैलकुलेट करना आता है तो ये चैप्टर फिर भी आपको मार्क्स दे देगा। फोर्थ मैं जाऊंगा सर्कल्स पे एंड देन जाऊंगा ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल्स एक चैप्टर बड़ा अच्छा है और इजी भी है, बोलूंगा नहीं बहुत टफ है, बट ट्राइंगल्स का वेटेज कम होने के चांसेस है क्योंकि वो पहले वाले एग्जाम्स में आ चुका है। तो इनको पढ़ना कैसे? सबसे पहले आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना चाहिए और उसके बाद आपको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, देन सरफेस एरिया, देन सर्कल्स एंड देन लाइंस एंड एंगल्स। बट क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड होती है सर कि सर्कल्स के बारे में बात करो तो अपन अभी पूरा फोकस करेंगे सर या सर्कल चैप्टर। अगर कोई बोले कि अगर आपको 15 मिनट में सर्कल चैप्टर कंप्लीट करना है तो सर्कल चैप्टर किस बारे में है इसको तो ध्यान समझिएगा। अपन 15 मिनट्स फॉर सर्कल, 11 मार्क एग्जाम के पक्के करते 11 से 12 मार्क। तो सर सर्कल कहीं ना कहीं 10 थ्योरम के ऊपर आता है। तो अगर अपन बात करें तो एक सर्कल है फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी पहली थ्योरम आपने पढ़ के रखी है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब अगर सेंटर से तो परपेंडिकुलर गिरेगा अगर अपन बात करें तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। और इसका वैसा वर्सा अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 90 होगा। इसका मतलब ये बोलना चाहता है अगर एंगल डी तेरे पास कितना है 90 तो ए डी इक्वल टू कितना होगा डीवी। और इसी की उल्टी है भैया क्या कि अगर बहुत सिस्टमेटिक बात करें कि अगर ए डी इक्वल टू डी वी है तो एंगल डी कितना होगा 90। तो ये तेरी एक थ्योरम नहीं, तेरी दो थ्योरम हो गई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड और लाइन बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सर दूसरी दो थ्योरम अगर अपन बात करें तो दूसरी दो थ्योरम बोलती है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब नेक्स्ट अगर मैं दो थ्योरम बताऊं तो नेक्स्ट दो थ्योरम बोलती है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? सेंटर। और उल्टा कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल टू ईच अदर। सर इसका मतलब आप क्या बताना चाहते हो कि अगर मैं देखो बोलूं एक कॉर्ड है मेरे पास, क्या सीडी कॉर्ड क्या है मेरे पास सीडी,
और यहां से मैंने इसका बना दिया भैया ओडी के साथ, यहां बना दिया मैंने ओ एम, ठीक है ना। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर इफ ए बी इक्वल टू कितना है सी डी, तो ओ डी इक्वल टू क्या होगा ओ एम, ओ डी इक्वल टू क्या होगा ओ एम। और उल्टा अगर मैं बोलूं इफ ओ डी इक्वल टू कितना है ओ एम, तो तेरे पास ए बी इक्वल टू कितना होगा सी डी, ए बी इक्वल टू कितना होगा सी डी। बोलो कोई डाउट तो नहीं आपको। तो सर ये दो थ्योरम होंगे, मतलब कुल मिला के आप कितने थ्योरम के पास चार। सर अगली दो थ्योरम क्या बोलती हैं, इक्वल कॉर्ड्स सब्सटेंस इक्वल एंगल एट दी सेंटर। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है, अगर कॉर्ड्स क्या है इक्वल, तो वो सेंटर पे एंगल भी क्या बनाएंगी सेम। इसका मतलब वो इसी में बोलने आ रहा है कि अगर यहाँ पे एंगल वन है पूरा ये और ये एंगल टू है, तो वो बोलना चाहते हैं इफ ए बी इक्वल टू कितना सी डी, इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा एंगल सी ओ डी, और इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना एंगल सी ओ डी, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा सी डी। अब सर इन छह थ्योरम पे में से सबसे ज्यादा काम की एक तो ये है और वेरी 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 आईपी तो ये है इन छह थ्योरम में से। अब नए टांडव चलते हैं सर, नए टांडव चलते हैं मतलब सर्कल्स का ही एक और एंगल पूरा एरिया आता है जो काम ही इसी बात पे करता है, आपको क्वेश्चन ही इसी बात पे देगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले एंगल से आएंगे कि एंगल सबस्टेंडेड बाय एन कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर इसका मतलब आप क्या समझाना चाहते हो कि अगर अगर अपन बात कर लें और सिस्टमेटिक बात करें, तो एंगल क्या चल रहा है अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा इस बात पे है कि भैया यहाँ पे अगर ए पी, पहले बात तो ए बी को एक आर्क कहा जाता है, ये जो है ना पूरा इसी को बोलते हैं एक आर्क, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है भैया सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो ऊपर वाले एंगल से क्या होगा हमेशा डबल, मतलब अगर यहाँ पे x होगा तो हमेशा यहाँ पे कितना होगा 2x, यहाँ पे 30 होगा तो हमेशा यहाँ पे कितना होगा 60। तो ये थ्योरम है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, मतलब एंगल AOB is equal to twice of angle APB। सर कभी भी ये चेक करना हो तो कभी कभी फिगर काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें तो कुछ मत का ध्यान रख, स्टार्ट ए से होना चाहिए और खत्म का होना चाहिए बी में। तो ए ओ बी क्योंकि सेंटर का है, इस ट्वाइस ऑफ कितना एंगल ए पी बी, इस ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट ए पी बी। सर अब आप आगे और क्या बताओगे, दूसरी इसकी थ्योरम होती है भैया एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, मतलब अगर कोई एंगल ए से शुरू होकर बी पे खत्म हो रहा है और इस तरफ भी होना चाहिए ना, नीचे की तरफ भी होना चाहिए, इसी सर्कल के एरिया में होना चाहिए, तो वो बोलना चाहते हैं यार ए क्यू बी और ए पी बी आपस में इक्वल रहेंगे, पर वो बोलते हैं ये भी आपस में इक्वल रहेंगे, कौन से ए डी बी भी आपस में क्या रहेगा इक्वल, ए डी बी भी आपस में क्या रहेगा इक्वल, मतलब ए पी बी ए क्यू बी ए डी बी ये सब आपस में क्या रहेंगे इक्वल, क्योंकि ये है एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट मतलब सर सेम सेगमेंट का मतलब वो पूरा एरिया जो कि ए से खत्म होता है और किस पे ए से चालू होकर किस पे खत्म हो रहा है बी पे। तो ये सारे ही अच्छा, इसका प्रूफ भी क्या है कि जो येला एंगल है डी वाला एंगल है वो ओ वाले का क्या रहेगा आधा, जो पी वाला एंगल है वो अगेन ओ वाले का क्या रहेगा आधा, जो क्यू वाला एंगल है वो भी ओ वाले का क्या रहेगा आधा। तो तुम सब इसके 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 आधे 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 हो, आधे 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 हो, तो सीधी बात है अगर अपन बात करें अगर तुम इन चीजों के आधे हो तो एंगल ना सेम सेगमेंट हमेशा क्या रहेंगे इक्वल, एंगल ना सेम सेगमेंट हमेशा क्या रहेंगे। इसी से मतलब ये तुम्हारी कौन सी थ्योरम होगी सेवंथ, ये तुम्हारी कौन सी होगी एट्थ, नाइन्थ थ्योरम होती है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा क्या रहता है 90। तो हमने बोला हाँ यार वो तो होगा ही ना, क्योंकि अगर सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 180, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 180, तो सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल बना लो, अगर आप सेमी सर्कल में किसी भी प्रकार का कोई भी एंगल बना रहे हो तो वो हमेशा कितना रहेगा 90, वो हमेशा कितना रहेगा 90, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा क्या रहेगा 90। और अब अगली बात है कि भाई साइक्लिक कॉर्ड के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। अब साइक्लिक कॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो सर आप ये भी लिखवा दो ना कि साइक्लिक कॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो साइक्लिक कॉर्ड मतलब जिसके चार पॉइंट काय पे हैं सर्कल पे, जिसके चार पॉइंट काय पे हैं सर्कल पे, तो जिसके चार पॉइंट सर्कल पे हैं तो इधर भले 90 ना बनाए कोई भी एंगल बनाए, लेकिन इस तरफ जो बनाएगा वो इसका आधा होगा और जो इस तरफ बनाएगा वो इस वाले का क्या होगा आधा, गेटिंग इट। तो साइक्लिक कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है और हमेशा होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल सी
इज इक्वल टू कितना होता है 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है 180। इसी पे ऐसी एक प्रॉपर्टी भी आती है कि प्रूफ करो, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, प्रूफ करो कि साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक व्हाट, पैरेललोग्राम हमेशा रेक्टेंगल होगा। तो हमने बोला हाँ यार साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि पहली बात तो अगर वो पैरेललोग्राम है, क्या है वो, पैरेललोग्राम है, तो उसके सामने सामने के एंगल, एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और क्योंकि वो साइक्लिक है तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180। तो x प्लस x कितना हो जाएगा 180। तो 2x इज इक्वल टू कितना 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 90। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। बोलो फिर आउट नहीं आता। तो सर ऐसा एक क्वेश्चन है। अब सर सर्कल्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, ये अगर अपन एनसीईआरटी का बेस ले ले, तो सर अपन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो सर्कल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब मैं आपको बताऊंगा आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है सर्कल्स की, तो फिर थर्ड एक्सरसाइज है 8.3 है शायद, तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे ही इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। आप अगर अपन सर्कल्स का 11 मार्क का वेटेज देखें तो 8.4 को वेरी वेरी आईएमपी लेके चलना। 8.4 के पहले एग्जांपल नंबर शायद 6 है या 5 है, जहाँ पे आपको ट्राइंगल एईबी को एंगल एईबी को 60 डिग्री निकालना है। अगर मैं बात करूँ तो बता देता हूँ मैं आपको वो भी कौन सा क्वेश्चन है, अगर अपन सिस्टमेटिक लेके चले तो, हाँ ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें 10.4, ये 10th चैप्टर है अपने पास, तो हाँ तो 10.4 के बारे में बात करें तो इसमें एक आपको क्वेश्चन आ रहा है 10.4 के बाद, अगर मैं बात करूँ एग्जांपल 3, तो वो 60 डिग्री एंगल ए वी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 10.4 अगर अपन लेके चले, बहुत सिस्टमेटिक लेके चले, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है 10.4 अगर अपन लेके चले, तो इस चैप्टर के बारे में 10.4 में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आना, सॉरी 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आना तय है। सर क्या इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ भी करा जा सकता है? हाँ, मैं थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में और फास्ट लैंग्वेज प्लान में करना चाहूँगा। आपको ऐसा बोला है कि पहली बात तो इन तीनों क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहली बात कि दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो पॉइंट पे, तो मैंने बोला ठीक है यार दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो पॉइंट पे, तो उसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। तो और दोनों के सेंटर अपन ने क्या मान लिए, एक का सेंटर मान लिया है O और एक का सेंटर क्या मान लिया है O डैश, एक का सेंटर क्या मान लिया है O और एक का सेंटर क्या मान लिया है O डैश। उनको ये प्रूफ करने को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 10.3 का थर्ड, कि प्रूफ करो कि जो PQ है PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रही है, O डैश क्या बन रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बन रही है परपेंडिकुलर बायसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर PQ का। तो हमने बोला ठीक है यार ये प्रूफ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हमने बोला यार थोड़ा सा गेम देखो जॉइनिंग जॉइनिंग खेलते हैं। तो सर जॉइनिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से इसको जॉइन कर रहे हैं और यहाँ से इसको जॉइन कर रहे हैं, यहाँ से इसको जॉइन कर रहे हैं और यहाँ से इसको जॉइन कर रहे हैं, और ट्राइंगल को अपन कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से यहाँ पे अगर एम नाम दे दूँ तो मेरे पास एक ट्राइंगल है, पहला तो आप लोगे बड़े बड़े ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, यन पी ओ क्यू पी ओ डैश कितना क्यू, पी ओ डैश कितना क्यू, इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। बोल दो यार क्या कि सॉरी पी ओ ओ डैश, सर पी ओ ओ डैश लो और पी क्यू पी ओ ओ डैश और क्यू ओ ओ डैश। सर इसमें आप क्या बोलोगे भाई, पी ओ और क्यू ओ आपस में क्या है, पी ओ और क्यू ओ आपस में क्या है इक्वल, क्योंकि ये क्या है रेडियस, क्या है ये रेडियस। फिर आप बोलोगे यार पी ओ डैश और क्यू ओ डैश भी आपस में क्या है इक्वल, क्योंकि ये भी आपस में क्या है रेडियस, और ओ ओ डैश क्या है कॉमन, तो ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 बाय सी पी सी टी, आप लिख दो इसका एंगल वन और इसका एंगल टू क्या हो गया इक्वल, बाय सी पी सी टी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू कितना वाई, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास
वाई सर ये करना बहुत जरूरी है, हाँ ये क्वेश्चन काम का है। अब आप ट्राइंगल ले लो, एक तरफ कौन सा, अगर मैं लेके चलूँ कौन सा, तो इन ट्राइंगल फॉर्म, इन ट्राइंगल व्हाट, पी ओ एम एंड ट्राइंगल कॉम क्यू ओ एम, पी ओ एम और क्यू ओ एम, आप बोलोगे कितना, पी ओ इज इक्वल टू कितना है क्यू, पी ओ इज इक्वल टू कितना है क्यू ओ, ओ एम इज इक्वल टू कितना है ओ एम क्योंकि कॉमन है, और एंगल वन इज इक्वल टू कितना है एंगल टू क्योंकि आपने प्रूव्ड अबव कर लिया, एंगल वन इज इक्वल टू कितना एंगल टू, तो ट्राइंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, बॉम इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल कॉम बाय व्हाट, एस ए एस, तो ट्राइंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सी पी सी टी बाय व्हाट, आप बोल दोगे पी एम इज इक्वल टू कितना एम क्यू, और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू एक्स, तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें तो आपका एंगल एम प्लस एंगल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 क्योंकि वो लीनियर पेयर है, और एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 मतलब एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तीन क्वेश्चन को जोड़ता है, 10.3 का लास्ट क्वेश्चन, 10.4 का क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर वन तो इससे रिलेटेड है ही पूरा पूरा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे इसके बाद आपको क्या लगानी पाइथागोरस, क्या लगानी है पाइथागोरस, वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको यहाँ तक करें फिर अपन आगे बात करते हैं।